राम राम सारे भाई ना भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आज हम आए हैं भाई देवसर और देवसर में किसान प्रदर्शन हो रहा है भाई, धरना पर बैठे हैं। तो आप बात करांगे के समस्या है, तो बने रहिए मेरे साथ में, आप दिखावांगे किसाना तो सवाल पूछांगे, तो आ जाओ मेरे साथ में। देवसर गांव के किसान खेतों के ट्यूबवेल के कनेक्शन ना करने पर किसान भाई अनशन पर बैठे हैं, तो ई बापा बात करेंगे भाई, सारे बैठे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। कहना चाहोगे जी सरकार के बारे में? सरकार के बारे में दिया जाएगी, इसके काम के नतीजे देखा तो फांसी खाड़ नजीक है, लेकिन बालक भी दिखे गल ने। अब हमारे गांव में तकरीबन 60 आदमियों ने 80 लाख के आसपास पैसा डिपॉजिट करा रखा है बिजली बोर्ड को, जिनमें से 5 आदमियों के कनेक्शन इन्होंने किए हैं, 27 आदमी हाजिर वेटिंग में है, जिनसे 60 लाख के आसपास इन्होंने क्लेम कर रखा है पैसा। उसके अलावा सितंबर 2019 में बिजली बोर्ड ने हर किसान से जिसने एप्लीकेशन लगा रखी थी उससे मोटर के नाम के किसी से 20,000, किसी से 26,000, किसी से 30,000 मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से जमा करवा रखे हैं। 30,000 रुपये पहले करवाए थे सिक्योरिटी के नाम पे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन लोगों से 60,000 रुपये ले रखे हैं जिन्होंने एस्टिमेट के पैसे नहीं भेजे। तो इन लोगों ने चक्कर लगा लिए, सारे काम कर लिए, विधायक से कवाली, कोई कानों पे जू नहीं रेंगती, तो शाम में 90 कनेक्शन कर दिए जो हमारे से बाद के हैं। अब बोलते हैं बोले आपकी मोटर नहीं आई, भाई ने मोटर आ रही है, सबमर्सिबल लगा लो। अब जिन लोगों ने 20-20, 30-30 साल पहले ट्यूबवेल लगा रखे हैं तो उन लोगों को सबमर्सिबल के लिए अलग से बोर करना पड़ेगा, 1 लाख रुपये और कहाँ से लाएँ वो। अब कुंडली मारे बैठे हैं, लास्ट डेडलाइन दी थी सरकार ने कि भी हम 15 जून को सबको कनेक्शन दे देंगे जिन्होंने मोटर के पैसे और एस्टिमेट के पैसे भर रखे हैं, वो भी खत्ती में गई। जून भी गया, जुलाई भी गई, अगस्त भी गई, सितंबर भी गई, अब अक्टूबर शुरू हो गया। तो हम भाई संजय और साथी और गांव के काफ़ी आदमी गए थे डीसी साहब के पास, उनको मेमोरेंडम दिया था कि जी या तो हमारा 30 तारीख तक काम शुरू करवा दें, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक तो प्रशासन के या बिजली निगम के किसी भी अधिकारी के कानों पे कोई जूरेंगी हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 दिन का और समय देंगे, उसके बाद में हम फिर आमरण अनशन पे बैठेंगे और आत्मदाह तक की चेतावनी देते हैं हम सरकार को। राम राम जी। राम राम जी। राम। कितने दिन हो गए जी बैठ दिया? आज दूसरा दिन है जी। अच्छा, तो आज आप यहाँ धरना पर बैठे हो, के सोच के बैठे हो आप? हम सोच के बैठे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जी। सरकार से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो हमारे कनेक्शन दे दे और नहीं तो हम रोड जाम करके संडे को 10 बजे आत्मदाह करेंगे। भिवानी गए थे? हम भिवानी पूरे देवसर गांव के किसान डीसी साहब को ज्ञापन दिया और वहाँ से ये बोला गया था कि 30 तक तो आपका काम शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया, नया काम शुरू हुआ और हमने अल्टीमेटम दिया था कि 1 तारीख से हम धरने पर बैठ जाएंगे, जो हम कल से बैठे हैं। उसके बाद कोई नहीं आया, किसी ने सुध नहीं लिए, किसी कानों ब्रेन नहीं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम जी अपना? मेरा नील प्रधान नाम है। हमारी तो प्रशासन से यही डिमांड है कि भी जल्दी से जल्दी इन जमींदारों को कनेक्शन दिए जाए, पर ये बार बार प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन प्रशासन को कोई इसकी बात की चिंता नहीं, जो जमींदारों को नुकसान हो रहा है, सबको पैसे भर रखे हैं। भाई हमारी तो डिमांड यही है कि भाई पूरे गांव के जितने भी कनेक्शन वो चाहे 30 हैं 50 हैं, भाई जल्दी से जल्दी इन कनेक्शनों को काम पूरा किया जाए। कितना टाइम दे रखे हैं जी इनका? तो ये इनका कोई टाइम नहीं है, पहले 1 महीना कह के दे, कभी 2 महीना कह के देते हैं, लेकिन इनका कोई बात की बात नहीं है।
कि ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। टाइम पर कनेक्शन अभी लग जाने चाहिए थे, कम से कम 6 महीने पहले जी। लेकिन बार बार गांव के आदमी वहां गए भी हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई बढ़िया जवाब दिया नहीं। तो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से निवेदन है कि भाई इन कनेक्शनों को जल्दी से जल्दी लगाया जाए। एक जी पीपली गांव में भी लाठीचार्ज हुई थी किसाना पर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पीपली गांव में जो लाठीचार्ज है उनका जो व्यापारी का काम था और किसानों की बात थी वो जायज थी। जो उन्होंने लाठीचार्ज किया किसानों पे, व्यापारियों पे, आड़तियों पे, लेकिन हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वो काम प्रशासन ने किया, गवर्नमेंट ने किया, वो गलत किया, हमारा यही कहना है। राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम जी अपना? प्रकाश पहलवान, किसान संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी जी। हाँ जी सर, आज धरना पर बैठे हो जी, के सोच के बैठे हो जी आप? काफ़ी दिनों से किसानों की परेशानी है, कनेक्शन की वजह से कनेक्शन नहीं मिलेगा तो किसान अपने खेती कैसे करेंगे, तो इसलिए काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा है कि ये इन्होंने कनेक्शन बंद कर दिया। 15 दिन के बाद तो सरसों की बिजाई हो जाएगी, उसके बाद में तो लाइन कैसे गड़ेगी, खम्भा कैसे चलेंगे, तो काम नहीं। उससे पहले पहले ये कनेक्शन हो जाना चाहिए, वरना किसान लंबा संघर्ष करेंगे और उसके लंबा लंबा धरना बैठेंगे। तो हम सरकार से ये करेंगे पाक जितना भी गलत काम हो सरकार की वजह से होगा, नहीं तो 15 दिन से पहले कनेक्शन दिया जाए। तो आपने 15 दिन का टाइम दिया है? हाँ जी। अगर 15 दिन में काम नहीं हुआ तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? और ज़्यादा मतलब के नाम से हम भूख हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, लंबा लंबा मतलब के नाम हमारा संघर्ष चलेगा, और इसलिए मतलब के नाम से आमी शामी लड़ाई न होने से पहले पहले ये काम कर दिया जाए। हाँ नहीं, सरकार का विरोध करेंगे। क्या कहना चाहोगे जी आप, जो बीजेपी सरकार है या किसानों का ट्यूबवेल है, पानी है, कुछ सुविधा नहीं दे रही, तो क्या कहना चाहोगे जी? हमें सरकार का विरोध करते हैं, या तो किसानों के हाथी बाज आए, किसानों को काम करे, नहीं तो इतना विरोध करेंगे कि इस सरकार से बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे किसान, पूरे देश के किसान। सर जो 3 अध्यादेश लागे हैं इनका बारे में क्या कहना चाहोगे आप, बताओ जी आप प्रश्न। जो 3 अध्यादेश हैं इनके आगामी प्रभाव तो आने वाले टाइम में दिखाई देंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो झुंझुना पकड़ा दिया इन्होंने। सर जो 3 अध्यादेश लागे इन तक किसानों का फायदा है या नुकसान? वही बता रहा हूँ मैं, अभी कल बाजरे की MSP पे खरीद शुरू करवा दी इन्होंने, बाजार में कोई हुई है थोड़ी बहुत खरीद, क्योंकि पोर्टल पे कोई दिक्कत थी, तो कल शाम को शुरू हो गया था वो जी। 700 क्विंटल के आसपास भिवाणी बाजरा खरीदा गया है जी। जब ये खरीद किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से या किसी और तरीके से होगी तब पता लगेगा, अभी तो गवर्नमेंट की एजेंसियां खरीद रही हैं। तो जो MSP के ऊपर खरीद रही है, MSP के बारे में जो लोगों के अंदर दिमाग में कन्फ्यूज़न है, उसका तो आने वाले 6 महीने में 12 महीने में ही पता लग पाएगा भाई कितना क्या असर हुआ इनका। फिलहाल तो इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। क्योंकि अभी तो ये धरातल पे आया ही नहीं कुछ भी। धरातल पे आने के बाद जब इसके दूरगामी परिणाम होंगे, किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी, दूसरी जगह लेके जाएंगे, वहाँ कोई घुसने नहीं देगा। अब जैसे UP वगैरह के लोग धान वगैरह लेके आ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, पंजाब वालों को इनको, तो MSP के ऊपर खरीद नहीं होगी तब पता लगेगा। तो अभी तो फिलहाल तो बाजार MSP पे खरीद रहे हैं, अब क्या विरोध करें इस अध्यादेश का? तो अभी इनके ऊपर तो वेट एंड वॉच की नीति अपनानी पड़ेगी। तो बड़ी समस्या हो रही है भाई किसानों के साथ में, तो वीडियो ने भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि किसानों की जो समस्या है, जिनके कनेक्शन ड्यू हाजिर, जिनके 2-2 लाख रुपए भरे जा चुके हैं, जो नाम है बहुत लंबी लिस्ट है भाई, यह दिखाओ भाई एक बार। तो हाँ जी, यह किस चीज़ की लिस्ट है जी? ये जो ट्यूबवेल कनेक्शन जिनके नंबर आए हुए हैं, जिनके ऊपर कुंडली मारे बैठी है सरकार, 3 महीने पहले बिजली बोर्ड ने ये लिस्ट जारी की थी, उसमें से हमने हमारे गांव के नाम निकाल दिए। तो 27 आदमी हैं जिन्होंने, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख रुपए सरकार को पे कर रखे हैं जी। और 60-60 हज़ार रुपये वाले किसान अलग हैं जी। चलो ठीक है जी, तो बड़ी समस्या भाई किसानों ने लेके, तो इनका कहना भाई 15 दिन में सरसम बुझ जाएंगी, बाद में कोई जो खेत है उनमें जान कौन देगा, तो 7-8 दिन में जो इनकी समस्या है या
इनकी सुननी चाहिए, नहीं तो भाई और बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आप देख रहे थे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज, कैमरामैन संदीप के साथ में मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया, धन्यवाद।